सत साहिब साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस हिलोरा यूट्यूब चैनल पर मैं एक विशेष प्रजाति का जो पुष्प है, जो पिछली बार भी आपको मैंने दिखाया था, ब्रिंडिसी, याद आ रहा होगा आपको, लीलियम की विशेष प्रजाति है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, वो दिखाया था आपको। आज उसी में एक और पुष्प भी है तो लीलियम ही, लेकिन एक कोरियर प्रजाति है, उसकी एक किस्म है कोरियर, जो पूरी तरह से सफ़ेद होता है। सफ़ेद के साथ साथ इसकी जो पहचान है खासकर खुशबू के रूप में, लीलियम तो एक खुशबूदार फूल है ही है, तो विशेष इसकी खुशबू और भी महक देती है। साथ में आप इसका कलर आप देख सकते हैं, परसों अनखिला था, आज आप ये देख सकते हैं खिला हुआ है। आप देख रहे होंगे इसके जो सफ़ेद पंखुड़ियां हैं उनके बीच में छह इसके आप देख रहे होंगे पुंकेसर हैं, जिनमें आप पराग देख सकते हैं पीला पीला। साथ में एक इसका जो मुख्य है पुमांग इसको बोला जाता है, और ये फूल अपने आप में बहुत आकर्षक है। आप देख रहे हैं इस फूल की जो खुशबू है वो चीज़ तो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि आप डिजिटली महसूस नहीं कर पाएंगे। साथ में दूसरा पुष्प भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी वाइट कलर का ही रहेगा। आप ये देखिए, तीन दिन पहले मैंने फूल कमरे पर रखा था सजावट के लिए, आज भी तरोताज़ा है और पूरे कमरे में अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। तो ये प्रजाति कहलाती है, जो वाइट वाले आपको दिख रही है ये प्रजाति है कोरियर, और ये जो दूसरी प्रजाति आपको दूसरे रूप में जो पिंक रूप में दिखाई दे रही है, ये जो प्रजाति है इसको कहते हैं ब्रिंडिसी, इसको एशियन प्रजाति भी बोला जाता है। ये प्रजाति काफ़ी यहाँ पर प्रचलित है, और ख़ासकर बागेश्वर के जो दूरस्थ कपोट ब्लॉक का लीति सामा इस ओर में किसान इनको अपने पॉली हाउस में संरक्षित खेती के तौर पर एक व्यावसायिक खेती के रूप में इसे आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें इसका अच्छा दाम भी मिल रहा है। जो भी लोग इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में उद्यान विभाग इस प्रकार की खेती के लिए हेल्प करता है, आप वहाँ जा कर के इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, और ये एक आमदनी का बहुत अच्छा साधन है फूलों की खेती। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन से काफ़ी लोग अफेक्टेड हुए हैं, तो एक नया विकल्प भी सामने उभर के आ रहा है। तो इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप देखते रहिए हिलोरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साहिब।